एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों ने देखा कि मेरा स्कोर हो चुका था 5800 और मेरे को मास्टर लगाने के लिए सिर्फ 200 का प्लस और चाहिए था। और 200 प्लस करने के लिए मैंने कुछ मैचेस खेले जिसमें मेरा 200 प्लस हो जाता और फाइनली मास्टर भी लग जाता। और मास्टर लगते ही आप लोग के साइड से काफी सारे कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, एडन भाई अब मास्टर लग के आप टिप्स एंड ट्रिक लाओ मास्टर लगाने का, जिससे हम लोग भी मास्टर लगा पाए बीआर रैंक में। और भाई इतने सारे कमेंट देखने के बाद ना मैं सोच में पड़ जाता हूँ भाई टिप्स एंड ट्रिक तो ला दूं, लेकिन सोलो में लाऊं, डुओ में लाऊं, स्क्वाड में लाऊं, और काफी सोच में पड़ जाता हूं भाई किस में टिप्स एंड ट्रिक लाऊं। और काफी देर सोचने के बाद ना मैं सोचता हूं भाई टिप्स एंड ट्रिक लाते हैं लेकिन सोलो में, क्योंकि आप में से काफी सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिनके पास खुद की पर्सनल स्क्वाड नहीं होगी और आप लोग सोलो रैंक पुश करते होंगे, जिसमें ये वीडियो आप लोग को बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना जितने भी टिप्स एंड ट्रिक आप लोग को बताया वो 100% वर्किंग ट्रिक है और आप लोग काफी फास्टेस्ट यहाँ पे मास्टर लगा सकते हो। भाई लोग वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग को सारे टिप्स एंड ट्रिक अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का जिससे आप लोग का हेल्प होगा। तो फटाफट एक एक लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो आगे भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अपने टिप्स नंबर 1 के साथ, जिस पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जो इस सीजन में यूज कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट में मैं यूज कर रहा हूं मैक्सिम कैरेक्टर, जिसकी एबिलिटी आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि फास्टेस्ट मेडी मारता है, तो याद से आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर ले लेना। उसके बाद मैं एक्टिव स्किल्स में यूज करता हूं के कैरेक्टर, और भाई के की एबिलिटी अभी के टाइम पर ना काफी काम आता है तो याद से आप लोग के कैरेक्टर ले लेना। उसके बाद आता है 2 पैसिव स्किल्स के स्लॉट, जिसमें फर्स्ट में मैं यूज करता हूं नैरी कैरेक्टर। भाई अभी के टाइम पर ना नैरी का एबिलिटी काफी तगड़ा है, आपके ग्लू वॉल को काफी तगड़ा बना देता है तो याद से आप लोग नैरी कैरेक्टर ले लेना। उसके बाद हम लोग का आता है मारो कैरेक्टर, अगर आप लोग लॉन्ग रेंज के वेपन से किसी भी इनमें को लॉन्ग रेंज में डैमेज देते हो ना तो वो डैमेज काफी बढ़ जाता है भाई, काफी तगड़ा डैमेज पड़ता है, तो याद से आप लोग यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना, क्योंकि अभी के टाइम पे ना मैं भी यूज करता हूं, मेरे को काफी हेल्प मिलता है रैंक पुश करने में। और भाई ये तो हो गई मेरी पर्सनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो आप लोग को मैंने बता दिया, लेकिन अब बारी आती है पेट के स्किल का, क्योंकि आप लोग के साइड से अब क्वेश्चन आने लगा कि हिडन भाई आप कौन सा पेट यूज करते हो, तो भाई मैं यूज करता हूं फाल्को पेट जो कि काफी हेल्प करता है सोलो के अंदर, तो याद से आप लोग फाल्को पेट ले लेना। अब देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और पेट का स्किल रिवील करने के बाद बारी आती है लॉर्ड आउट की, और भाई लॉर्ड आउट के प्लेस पे अभी के टाइम पे कॉम्बैट करके एक न्यू इवेंट चल रहा है जिसमें आप लोग को 5 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और भाई रैंक पुश कर लेना सबसे बेस्ट है बैलेंस वाला जो सबसे नीचे है, और भाई इससे ना आप लोग को हॉरिजॉन्टल मिलता है जब ये लेवल 3 के हो जाता है और भाई काफी काम आता है लास्ट जोन में, तो याद से आप लोग बैलेंस वाला लेना जो आप लोग को काफी काम आने वाला है सोलो में। बढ़ते अपने टिप्स नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सोलो का बेस्ट लैंडिंग ट्रिक जो आप लोग को काफी हेल्प करेगा काफी अच्छा खासा लूट निकालने में, प्लस आप लोग काफी बढ़िया से किल्स भी निकाल सकते हो। तो भाई आप लोग को क्या करना है, पूरे मैप में ये देखना है कि ब्लू जोन कहाँ पे बना है और वहाँ पे लैंड कर जाना है। अब आप लोग बोलोगे भाई ब्लू जोन में तो हम लोग फिनिश भी हो जाएंगे, तो भाई आप लोग टेंशन मत लो, सोलो में है सेल्फ राइव सिस्टम, अगर आप लोग 2 मिनट से पहले मरते हो ना तो एक बार काफ़ी ईजिली आप लोग सेल्फ राइव हो सकते हो और साइड में उतर के फिर से लूट कर सकते हो, तो भाई ये ट्रिक ना जरूर से यूज़ करना, क्योंकि अभी के टाइम पे ये ट्रिक मैं भी यूज़ करता हूँ और मेरा स्कोर देख सकते हो ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर लगने वाला है, और जितने आप लोग देखते हो ना सोलो के रीजन में यही ट्रिक यूज़ करते हैं और इजीली अपना रैंक पुश करते हो, तो भाई आप लोग भी करो और अपना रैंक प्लस करो। उसके बाद आता है टिप्स नंबर 3 की बारी, जिसपे आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि भाई लैंडिंग के बाद क्या करना चाहिए। अब काफ़ी सारे भाई लोग ये बोलेंगे कमेंट में भाई लैंडिंग के बाद तो लूट ही करेंगे ना, तो भाई लूट तो करेंगे लेकिन फास्टेस्ट लूट करेंगे, जो आप लोग नहीं करते हो 2 मिनट तक आप ब्लू जोन में रह लेते हो फिर जाके फिनिश होते हो और अपना रैंक माइनस करवा के जाते हो, तो भाई ये चीज आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग लैंड हुए ना वैसे आप लोग को गन लेना है, जो भी बंदे वहां पे उतरे ना उनको फटाफट फिनिश करना, क्योंकि किल करना काफी जरूरी है, जितना अच्छा खासा आप लोग का किल रहेगा ना उतना ही अच्छा खासा आप लोग को प्लस लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्या ट्राई करना कि भाई 2-3 किल तो निकल ही जाए जिससे लास्ट जोन में आप लोग को कम प्रेशर रहेगा किल्स निकालने का और आप लोग सर्वाइव करके इजिली बुया निकाल सकते
सकते हो। तो वैसे ही मैं भी यहाँ पे करता हूँ, फटाफट पहले लूट कर लेता हूँ और एक किल तो मैंने स्टार्टिंग में निकाल ही लिया, और लूट करने के बाद मैं बिल्कुल साइड में हो जाऊँगा, जिससे क्या होगा मेरे पास एक किल भी रहेगा, प्लस में आप लोग को पूरे ब्लू जोन का लूट भी रहेगा, जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा लास्ट जोन तक सर्वाइव करने में और बुइया निकालने में। और भाई ये ट्रिक ना काफ़ी ओपी होने वाला है, और ये मैं बता दूँ तो भाई मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस का चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोग को काफ़ी फायदा करेगा रैंक पुश में, क्योंकि आप लोग को पता ही मैं बहुत दिन से सोलो रैंक पुश करता हूँ और कितने सीजन मैंने ग्रैंड मास्टर ऐसे ही करके लगाया। तो भाई ये चीज़ ज़रूर से आप लोग फॉलो करना, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा रैंक पुश में। और रैंक पुश का सबसे मेन पार्ट होता है रोटेशन, अगर आप लोग सही से रोटेट करना सीख जाते हो तो भाई हर मैच में आप लोग काफ़ी अच्छा खासा पोजिशन पॉइंट निकाल सकते हो। और भैया अभी अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 के बारे में, जिस पर मैं आप लोग को बताऊंगा सही से रोटेट करना सोलो के अंदर, जैसे मैं हर एक मैच में करता हूँ और भैया निकालता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सर्कल तक मैं लूट करता हूँ जोन के बाहर, सेम ट्रिक आप लोग भी लगा सकते हो, फर्स्ट सर्कल तक आप लोग लूट करना जोन के बाहर, उसके बाद गाड़ी से रोटेट करना स्टार्ट कर देना, यानी कि सर्कल के अंदर जाने के लिए ना आप लोग गाड़ी का यूज़ करना, जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। सेम ट्रिक लगाना भाई बिल्कुल अलग मत करना, क्योंकि ये ट्रिक से अलग करोगे ना तो भाई कभी कभी क्या होगा आप लोग सर्कल के अंदर ही फंस जाओगे, यानी कि जोन के अंदर ही फंस जाओगे और फिनिश हो जाओगे। और काफ़ी सारे भाई लोग को देखता हूँ रोटेट करते समय वो फाइट ले लेते हैं इनमी से, तो भाई ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब भी आप लोग सर्कल के बाहर जोन के अंदर फाइट लोगे ना तो वहाँ पे आपके फिनिश होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है रैंक पुश का, रैंक पुश के चक्कर में हम ही लोग फिनिश हो जाते हैं। तो भाई ये गलती मत करना, आप लोग फाइट मत लेना, ईजिली आप लोग गाड़ी से रोटेट करके सर्कल के अंदर आ जाना। उसके बाद बारी आती है टिप्स नंबर 5 की, जिस पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना पोजिशन पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे मैं हर एक मैच में निकालता हूँ और काफ़ी अच्छा खासा प्लस लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कैप्टाउन से रोटेट करके मैं आता हैंगर पे, क्योंकि हैंगर पे लास्ट सर्कल बना था, और हैंगर पे आने के बाद मैं घर पकड़ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि 3 किल मेरे ऑलरेडी निकल चुके थे और मैं सोच रहा था भाई टॉप 10 कर ही लेते हैं फिर फाइट लेंगे, और टॉप 10 हो भी जाता, फिर सोचता हूँ भाई टॉप 2 अगर मैं कर लिया ना तो काफ़ी अच्छा खासा मेरा प्लस लगेगा। और भाई यहाँ से क्या होता है काफ़ी बंदे लेट रोटेट कर रहे थे, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फटाफट इन लोगों को फिनिश करते हो। भाई सेम चीज़ आप लोग के साथ कई बार हो सकता है, अगर आप लोग स्टार्टिंग में रोटेशन स्टार्ट करते हो ना तो काफ़ी लोग सर्कल के बाहर रहते हैं अभी के टाइम पे सर्वाइव करते, क्योंकि न्यू सीजन है सभी को रैंक पुश करना है और उनको पता नहीं कि भाई रैंक पुश सही से कैसे करते हो। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि पहले रोटेट करना सही से, जिससे आप लोग के पास काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा जो जोन के बाहर वाले बंदे को फिनिश करने का, प्लस में पोजिशन पॉइंट निकालने का। तो भाई ये ट्रिक जरूर से फॉलो करना, जिससे आप लोग का लास्ट सर्कल में काफ़ी अच्छा खासा किल्स भी निकलेगा, प्लस आप लोग टॉप 2 काफ़ी इजली कर पाओगे। सो आई लोग होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और भाई ये जो 5 टिप्स आप लोग को बताया हूँ ना भाई 100% वर्किंग, और भाई हर मैच में मैं यही फॉलो करता हूँ, और अभी के टाइम पे मेरा स्कोर देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट 7K होने ही वाले हैं, और जल्दी आप लोग को ग्रैंड मास्टर वाला सीरीज भी देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करोगे ना तभी तुम्हारा भाई मोटिवेट रहेगा और आगे रैंक पुश करेगा और आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक और गेम प्ले देते रहेगा। तो फटाफट एक एक लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि 25K करने हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।